హర్యానాలో బీజేపీ జన్నాయక్ జనతా పార్టీ మధ్య పొత్తు కుదిరింది. జేజేపీకి డిప్యూటీ సీఎం పదవి ఇవ్వనున్నట్టు ప్రకటించారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా. ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుతో తాము కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించామన్నారు. 5 ఏళ్ల పాటు హర్యానా అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామన్నారు. రేపు గవర్నర్ను కలిసి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాలని కోరతామన్నారు మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్. ఢిల్లీ వచ్చిన జేజేపీ చీఫ్ దుష్యంత్ చౌతాలా అమిత్ షా నివాసానికి వెళ్లి పొత్తులపై చర్చించారు. తర్వాత ఉమ్మడిగా ప్రకటన చేశారు. हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए वो जनादेश का स्वीकार करते हुए दोनों पार्टियों के नेता ने ये तय किया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाए. ये सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे और उप मुख्यमंत्री जेजेपी पक्ष के होंगे और कई सारे निर्दलीय विधायकों ने भी एक गठबंधन को अपना समर्थन दिया है. कल भारतीय जनता पार्टी के विधिवत नेता चुनने के बाद सरकार बनाने की आगे की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी. जो जनादेश मिला उसका हम एक प्रकार से स्वीकार करते हैं और चूंकि उस मैंडेट में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और एक स्थायी सरकार देने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि आपस में मिलकर के गठबंधन करके सरकार को चलाया जाए ताकि एक स्थायित्व सरकार को मिले. तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार को चलाने के लिए हम लोगों ने इस गठबंधन को आगे रखा है और कल जो है इसकी सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी. चंडीगढ़ में गवर्नर साहब से कलम मिलेंगे और उसके बाद एक सरकार बनाने का जो बाकी प्रक्रिया है उसको कल वहां पर ही तय किया जाएगा. प्रदेश को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साथ आना जरूरी था. हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेटिव बोर्ड ने सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि प्रदेश के हित के लिए आज स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है. और मैं ये मानता हूँ जनसंघ के समय से चौधरी देवीलाल जी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे या उसके बाद आज तक हम अलग अलग समय मिलकर साथ चले और आज भी प्रदेश को ज़रूरत है कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन और प्रदेश को प्रोग्रेसिव तौर पर आगे ले जाने के लिए हमें मिलकर यूं ही आगे बढ़ना पड़ेगा. निर्णय जो भी है ये तो आगे महामहिम राज्यपाल से मिलकर ही लिए जाएंगे और आपको विश्वास दिला देते हैं कि हरियाणा प्रगति के पथ पर.